तो एक बार फिर से आप सभी पेंशनरों का स्वागत है बेहद ही लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, अभी की बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि जैसा कि आपको बहुत से वीडियो में देखने को मिला होगा कि जो हमारी 31 तारीख को सीबीटी की बैठक होने जा रही थी, वह जो है 31 तारीख को हो चुकी है शाम को। और उस बैठक में आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे निर्णय जो है निकल कर सामने आए हैं, तो वह सभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आखिर मीटिंग में जो है क्या खास फैसला लिया गया है, पिछले बार से कुछ अलग जो है क्या फैसला लिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लें, ताकि इसी तरह का रोज़ाना जो लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप उसे पा सके। तो दोस्तों, उसमें यह निर्णय निकला कि जो अब आपकी पेंशन बढ़ोतरी करके मिलना जो है तय है। सीबीटी मीटिंग में जो फैसला लिया गया है कि सभी पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी करके जल्द ही यहां पर जो पेंशन बढ़ोतरी है वह लागू होने वाला है, और साथ में उधर से जो पेंशन टेबल होती है वह भी जारी करने की उसमें बात उठाई गई, कही गई कि यह भी आश्वासन दिया गया कि पेंशन टेबल जो है जारी होनी चाहिए और सभी पेंशनरों को पूरी पेंशन जो है 7500 प्लस DA मिलनी चाहिए, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला अंत में आने वाला है। तो एक तो सीबीटी की मीटिंग से आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई, लेकिन अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बची है जो कि जल्दी आने वाली है। हमारे जो जस्टिस यू ललित जी हैं वह जो है सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं 8 नवंबर से पहले, और वह सेवानिवृत्त होने से पहले उनके तरफ से जैसा कि अपडेट आया था कि हम जो है सभी को उनके पेंशनरों में फैसला देकर उनका जो है हक दिलाकर उन्हें जाएंगे। तो बस दोस्तों, बस आपको एक और इंतज़ार करना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उसके बाद जो है PFO को सभी को पेंशन बढ़ोतरी करके देनी होगी। और यह मीटिंग में एक और ख़ास बात बोली गई कि जो भी 34 वर्ष से जो है ज़्यादा पहले से जुड़े हैं इस EPS योजना में, उन्हें जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा फ़ायदा देने की यहाँ पर जो है बात कही गई है। यह बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी का यही था अपडेट आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो जैसे ही कोई नया टॉपिक आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे।